हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल क्रोम में बुक मार्क कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बुक मार्क मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट आप देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नया बुक मार्क लगाना है, जैसे यहाँ पर गूगल इमेजेस मैंने फिलहाल ओपन कर रखा है, अब मैं इसको एज ए बुक मार्क यहाँ पर लगाऊंगा। तो उसके लिए राइट साइड में यहाँ पर देखिए ये 3 डॉट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए ये है बुक मार्क का ऑप्शन। जब कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो राइट साइड में आपको ऑप्शन आएंगे कई सारे। यहाँ पर जैसे पहला वाला है बुक मार्क दिस टैब, यानी कि सिर्फ दिस टैब के लिए लगाना है या ऑल टैब लगाना है, जो जो भी आपको करना हो। मान लीजिए कि हम सिर्फ इसी टैब को बुक मार्क के तरीके से यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया बुक मार्क दिस टैब। तो ये देखिए बुक मार्क एडिट का ये छोटा सा विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर आपको नाम देना है तो हम गूगल इमेजेस ही रहने देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फोल्डर बुक मार्क बार है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर गूगल इमेजेस जो है वो लग गया।